Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we have to start the first unit of our textbook, that is poem, The Voice of God. The meaning of the title of this poem, The Voice of God, is Khuda ki awaz. But actually no one of us has listened his voice. So the meaning of this title, The Voice of God, is The Message of God. Let's see that who has written this poem. This poem is written by Louis I. Newman, who was born in 1893 and died in 1972. He was born in Providence, Rhode Island, USA. It means that he was an American poet. He studied at Brown University and after his doctorate lectured at Columbia University. आपने ब्राउन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल की एंड देन आफ्टर डूइंग PhD कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर वर्क किया. ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स. और आपने बहुत सारी किताबें ऐसी लिखी हैं जो मजहबी हवाले से बहुत मशहूर हैं. दिस पोम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड. और ये पोम, ये नज़्म भी उनके मजहबी रुझान की तरफ इशारा करती है. Here is the poem, The Voice of God. There is only one stanza in your book of the poem, The Voice of God. I sought to hear the voice of God. Sought means talash karna ya kisi bhi cheez ki justuju karna. I sought to hear the voice of God. Main khuda ki awaaz sunna chahta tha. Here I means Louis I. Newman. I sought to hear the voice of God. मैं खुदा की आवाज़ सुनना चाहता था. एंड क्लाइंब द टॉप मोस्ट स्टीपल. स्टीपल इज़ एक्चुअली द रिलीजियस बिल्डिंग दैट इज़ वेरी हाई, यानी ऐसी मजहबी इमारत जो बहुत ज़्यादा बुलंद हो. एंड क्लाइंब द टॉप मोस्ट स्टीपल, और इसके लिए मैं एक बहुत बुलंद चोटी पर चढ़ गया. बट गॉड डिक्लेयर्ड, लेकिन खुदा ने ये वाज़ह किया. गो डाउन अगेन, नीचे दोबारा जाओ. I dwell among the people. मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ. Let's revise it so that you can memorize it. I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple. मैं खुदा की आवाज़ सुनना चाहता था और इसके लिए मैं एक बहुत बुलंद चोटी पर चढ़ गया. But God declared, go down again. I dwell among the people. लेकिन खुदा ने वाज़े किया कि नीचे दोबारा जाओ, क्योंकि मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ. नाउ देयर इज़ अ मैसेज इन दिस पोम फॉर अस, एंड द मैसेज ऑफ दिस पोम इज़ दैट गॉड लव्स मैनकाइंड एंड लिव्स अमंग देम, सो वी शुड लव ईच अदर. दिस इज़ हाउ वी मे बी क्लोजर टू गॉड. इसमें हमारे लिए एक मैसेज है, और मैसेज ये है कि इफ वी वॉन्ट टू फाइंड गॉड देन वी मस्ट लव एंड केयर फॉर ईच अदर. क्योंकि गॉड यानी खुदा अपनी क्रिएचर से, अपने बंदों से मोहब्बत करता है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम उसके बंदों से मोहब्बत करें और उनकी केयर करें, और इसी तरह हम गॉड के करीब हो सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम द वॉइस ऑफ गॉड. And now you have to read this poem. Thank you so much. Allah Hafiz.